पेडियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोचते ही मरीजों के मन में कई प्रश्न उठते हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ उलझने होती हैं। ये सुना होता है कि ऑपरेशन के बाद काफी लंबे समय के लिए सिर्फ लिक्विड खुराक पे रहना होता है, खाना खाने की और खुराक की मात्रा उतनी ज्यादा कम हो जाती है कि नॉर्मल स्वास्थ्य को बनाए रखना, पोषण को बनाए रखना वो भी मुश्किल हो जाता है, काफी कमजोरी हो जाती है, पोषण में कमी आती है, ये भी सुना होता है। मान्यता ये भी है कि हम उसके बाद में खाने का और स्वाद का आनंद नहीं उठा पाएंगे, लोगों के बीच में, सोशल गैदरिंग्स में, रेस्टोरेंट में नॉर्मल की तरह खाना खाने में दिक्कत आएगी, हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह खाना और बाकी का लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो चलिए इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाए, कुछ गलत फहमियां हैं वो दूर हो और आप सही जानकारी को समझकर अपने स्वास्थ्य के लिए और वेट लॉस के लिए निर्णय ले पाए। और अगर आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऑपरेशन के बाद में होने वाले बदलाव को समझकर मन से उसके बारे में तैयार होकर ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े। बेरियाट्रिक ऑपरेशन के दूसरे ही दिन से लिक्विड डाइट यानी कि प्रवाही शुरू किया जाता है। पहले हफ्ते के लिए क्लियर लिक्विड्स दिए जाते हैं यानी कि बिल्कुल ही पतले प्रवाही शुरू किए जाते हैं। एक हफ्ता खत्म होते ही गाढ़े प्रवाही यानी कि थिक लिक्विड्स भी शुरू करवाए जाते हैं ताकि क्या क्या लिक्विड ले सकते हैं उनके ऑप्शन विकल्प काफी बढ़ जाते हैं। कितनी मात्रा में और किस स्पीड से आप लिक्विड ले पाते हैं वो भी शुरुआत के ये दो हफ्तों में धीरे धीरे सुधार होता है। तीसरे हफ्ते की शुरुआत से ठोस आहार सॉलिड फूड शुरू करवाया जाता है जो कि शुरुआत के दिनों में मिक्सर में या ब्लेंडर में पीस के बच्चों को खिलाते हैं, उस प्रकार से बारीक किया जाता है। ये खुराक दो हफ्तों के लिए चलता है और चार हफ्तों के अंत में ठोस खुराक जो कि सॉफ्ट हो पर किसी भी प्रकार के मिक्सर में ग्राइंड किए बिना आप ले सकते हैं, जैसे दाल चावल, खिचड़ी, उपमा वगैरह। ये खुराक फिर से दो हफ्तों के लिए चलता है और छह हफ्ते के अंत में आप रोटी सब्जी और बाकी सारे नॉर्मल खुराक ले पाते हैं। यानी कि ऑपरेशन के बाद, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद लिक्विड आहार या लिक्विड डाइट सिर्फ शुरुआत के दो हफ्तों के लिए होता है। कितनी मात्रा में आप खाते हैं और हर एक फेज का जो डाइट का प्रोग्रेशन रहता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बेरियाट्रिक ऑपरेशन यानी कि तीन अलग प्रकार के जो कॉमनली होने वाले बेरियाट्रिक ऑपरेशन है उसमें थोड़ा अलग अलग रहता है। कॉमनली होने वाले तीन ऑपरेशन यानी कि लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी, लेप्रोस्कोपिक रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, तीनों की हम बात करें तो ये डाइट का प्रोग्रेशन, प्रगति और उसका ईज दोनों ही मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में स्टमक का जो पाउच बनाया जाता है वो थोड़ा बड़ा होता है और पाउच और आंत के बीच का जो जोड़ होता है जिसे हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं वो भी थोड़ा चौड़ा होता है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो डाइट का प्रोग्रेशन है वो स्मूथ हो और बिना तकलीफ वाला हो, थोड़ा फास्ट हो, पर कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहिए वो आपको अपने सर्जन के साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। इन तीनों ऑपरेशन के बाकी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को समझ के आपको फिर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए ये तीन में से कौन सा ऑपरेशन ज्यादा उचित है। बेरियाट्रिक ऑपरेशन के करीबन 6 महीने के अंदर यानी कि 3 से 9 महीने की अवधि के बीच में आप उतने खुराक तक पहुंचते हैं कि एक साथ 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल और चावल एक साथ खा सकें और खाने की ये मात्रा आपके स्वास्थ्य और पोषण को बनाए रखने के लिए काफी है।
अगर हम ये मान लें कि आप खान पान और डाइट रिलेटेड हमारी एडवाइस है, जो हमारे सजेशंस हैं, हमारे सुझाव है, उसको आप फॉलो करने वाले हैं, ये खुराक की मात्रा आपको खाना खाने की संतुष्टि भी दे सकते हैं और जनरली इतने खुराक की क्वांटिटी के साथ आप खाने का और स्वाद का आनंद भी उठा पाते हैं। ज्यादातर हमारे मरीज ऑपरेशन के बाद के खुराक के और खान पान के तौर तरीके और खाने की क्वांटिटी यानी कि खुराक की मात्रा से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। और एक तरह से हम देखें तो खाने का और स्वाद का आनंद कभी भी खुराक की मात्रा पे निर्भर नहीं रहता है, वो सिर्फ एक अभिगम बदलने की बात होती है कि आप कम मात्रा के खुराक को भी स्वाद से खाएं और उसका आनंद उठाएं। अगर हम तीनों ऑपरेशन की बात करें, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के अंदर इन जनरल खाने की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहती है, मरीज थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं और इसीलिए अगर वो सही हेल्दी खुराक की एडवाइस को फॉलो करते हैं तो खाने का आनंद भी उठा सकते हैं, हेल्थ भी और पोषण भी बना रहता है। पर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कौन सा ऑपरेशन करना, वो सिर्फ ये एक बात पे निर्भर नहीं रहता है, आपको अपने डॉक्टर के साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए तीनों ऑपरेशन के बारे में और फिर निर्णय लेना चाहिए। क्या बेरियाट्रिक ऑपरेशन के बाद कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल विपरीत। बेरियाट्रिक ऑपरेशन के बाद मरीज को ज्यादा सेहतमंद होने का एहसास होता है, उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में जब मरीज सिर्फ लिक्विड खुराक पे होते हैं, खाने की मात्रा काफी कम होती है और वजन में कमी थोड़ी ज्यादा तेजी से होती है, वो समय में भी मरीज को ज्यादा सेहतमंद होने का और ऊर्जा से भरपूर होने का एहसास होता है। हमें ये समझना चाहिए कि ऊर्जा का एहसास, स्वस्थ होने का एहसास हमारे खुराक की मात्रा, कैलोरिक इंटेक, हमारे वजन और ब्लड शुगर लेवल पे आधार नहीं रखती है। क्या मेदस्वी व्यक्ति या डायबिटीज के मरीज जिनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये बेरियाट्रिक ऑपरेशन के बाद में जब वजन में कमी आती है और खुराक काफी कम होता है, तब भी कभी ऐसा नहीं होता है कि ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से नीचे जाता है। उससे विपरीत बेरियाट्रिक ऑपरेशन के बाद में कई शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव ऐसे होते हैं जो ज्यादा सेहतमंद होने की अनुभूति देते हैं, ऊर्जा से भरपूर, उत्साह से भरपूर और शक्ति का अनुभव देते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने बेरियाट्रिक ऑपरेशन करवाया है तो आप यही सुनेंगे कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों से लेके आगे तक थकान और कमजोरी के बजाय वो ज्यादा सेहतमंद और उत्साहित और फुर्तीला महसूस करते हैं और जैसे जैसे वजन में कमी आती है ये स्थिति में और ज्यादा बेहतर सुधार होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीजों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि हमें ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार का खुराक खाना चाहिए जिससे कि हमारा वेट लॉस मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हम वजन कम कर पाए और वो वजन को फिर हमेशा के लिए मेंटेन कर पाए। इसका जवाब है कि हमें एक नॉर्मल हेल्दी खुराक लेना चाहिए, जो हम घर पे खाते हैं स्वस्थ खुराक, हमारा ट्रेडिशनल खुराक, वो ऑपरेशन के बाद में काफी है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और वजन को मेंटेन करने के लिए। हमें किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक डाइट जैसे कि लो कैलोरी डाइट या लिक्विड डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इस प्रकार के कोई स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करने की जरूरत नहीं।
एक मान्यता है कि ऑपरेशन के बाद में शुरुआती तौर पे लिक्विड डाइट और नरम खुराक इसीलिए दिया जाता है ताकि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन किया जाए और वेट लॉस ज्यादा हो। सच में लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट का पर्पस या उसका जो आशय ये नहीं है कि आपका कैलोरी कम किया जाए, पर ऑपरेशन के बाद में जठर और आंतों में जो बदलाव हुए हैं वो जगह पे आराम देने के आशय से आपको शुरुआत में लिक्विड डाइट दिया जाता है। तो ऑपरेशन के बाद एक बार जब आप नरम खुराक और नॉर्मल डाइट पे आते हैं, उसके बाद आपके पसंदीदा घर में बनने वाले और आपका जो ट्रेडिशनल रूटीन फूड है वो सब कुछ आप ले सकते हैं। रोटी या गेहूं, चावल न लेना या कम लेना, उस प्रकार के कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन की डाइट में जरूरत नहीं रहती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका खान पान काफी अनहेल्दी है, अनहेल्दी फूड आप काफी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा फ्रीक्वेंटली और बार बार खाते हैं, तो उसको हमें बिल्कुल बदलने की जरूरत रहती है। अनहेल्दी फूड जैसे कि हाई कैलोरिक लिक्विड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, जंक फूड, तली हुई चीजें, ज्यादा घी तेल बटर में बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें हमें क्वांटिटी में यानी कि मात्रा में और फ्रीक्वेंसी में रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, नियंत्रण में रखनी चाहिए। वो हमें बार बार नहीं खानी चाहिए, कभी कभार खाते हैं तो भी उसको कम मात्रा में खाना चाहिए। अगर इस प्रकार का खुराक, अनहेल्दी खुराक हम ज्यादा मात्रा में और बार बार खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसानकारक होता है, वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण भी रहता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में भी और इन जनरल हरेक व्यक्ति को इस प्रकार के खुराक को काफी नियंत्रण में रखना चाहिए। जितना हम इस प्रकार का खुराक कम लेते हैं उतना हमारा वजन मेंटेन रहना और बाकी का स्वास्थ्य का नुकसान कम होता है। अगर आप ये मानते हैं कि इस प्रकार के खुराक बंद करने से आपके खाने का आनंद, जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। काफी सारे ऐसे डाइट ऑप्शंस होते हैं, खाने के ऑप्शंस होते हैं जो काफी हेल्दी होते हैं, काफी रसप्रद भी होते हैं और आप बिल्कुल खाने का और स्वाद का आनंद उठा सकते हैं। और यहीं पे हमारे डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आता है, जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आप खाने का आनंद उठाते हुए भी एक हेल्दी, एक पोषक और स्वास्थ्यप्रद खुराक मेंटेन रखते हैं। और सही गाइडेंस और मार्गदर्शन के साथ में ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप इस प्रकार के खुराक को लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए मेंटेन करें और उसके बावजूद खाने का भी आनंद ले और जिंदगी का आनंद ले। बेरियाट्रिक ऑपरेशन के बाद में लोगों के बीच में, सोशल सिचुएशंस में, रेस्टोरेंट में खाना खाने में कोई विशेष समस्या नहीं आती है। ऑपरेशन के कुछ महीनों के बाद में जब आप एक बार अपने नॉर्मल खुराक पे आते हैं, तब बिल्कुल ऑपरेशन के पहले की तरह या किसी और नॉर्मल इंसान की तरह आप भी ऐसी सिचुएशंस में खाना खा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऑपरेशन के शुरुआती कुछ हफ्तों में और शुरुआती कुछ महीनों में जब आपका डाइट लिक्विड से नॉर्मल डाइट के बीच में प्रोग्रेस होता है, प्रगति करता है, वो समय पे आपको कुछ एडजस्टमेंट की, कुछ बदलाव की जरूरत रहती है अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में जाके खाना खाने वाले। इस सिचुएशन में आप हमारे डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की मदद ले सकते हैं ये समझने के लिए कि ऐसी जगहों पे आप क्या खाना ले सकते हैं, किस तरह से खाएं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार आप नॉर्मल डाइट पे आते हैं, उसके बाद में आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही ऐसे जगहों पे खाना खा सकते हैं। ये जरूर है कि हम हमारी तरफ से आपको एडवाइस और सुझाव जरूर देंगे कि आपको ऐसी जगहों पे हेल्दियर ऑप्शन यानी कि ज्यादा स्वास्थ्यप्रद विकल्पों को चुनना चाहिए खाना खाने में। और आप ये ध्यान रखें कि आप ओवर ईट ना करें, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में ना खा लें। ये जरूर है कि कुछ आसपास के लोगों को इस चीज से दिक्कत हो सकती है या उनको ये लग सकता है कि आप कम मात्रा में खा रहे हैं, जो कि एक हेल्दियर और स्वास्थ्यप्रद मात्रा है खाने के लिए, पर वो उनका विचार है और वो आपको उन तक ही सीमित रखना चाहिए। जब तक कि आप अपने खुराक की मात्रा से संतुष्ट हैं और खाने का आनंद ले पा रहे हैं,
और यकीन मानिए ऑपरेशन के बाद कुछ महीनों के बाद आप कोई भी सिचुएशन में खाने का आनंद ले पाएंगे, खाने की संतुष्टि अनुभव कर पाएंगे और ओवरऑल वजन की कमी और जो हेल्थ में सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है, उसे काफी बेहतर, अच्छा और खुशी की अनुभूति करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि ये सारी जानकारी आपको मदद रूप हुई होगी। आपको कोई और प्रश्न है, कोई और उलझन है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है और आपको मदद करने में, आपको गाइड करने में, आपको मार्गदर्शन देने में हमें बेहद खुशी होगी।